चैप्टर 9 में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, तो इसको सिंबलाइज किया जाता है बेटा किससे, एन से, स्मॉल एन से। इसको हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, मतलब इसको डिनोट करते हैं, ये इसका प्रतीक होता है स्मॉल एन। अब सबसे पहले समझेंगे कि अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी माध्यम का वह गुण होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा इसका निर्धारण होता है। जैसे कि मतलब ये सपोज करो कांच का स्लेब है ना, तो ये इसमें से मतलब कांच के स्लेब में से प्रकाश की जो किरण है ना, वो किस वेग से गति करेगी, मतलब ये किरण जो गुजर रही है उसका वेग क्या होगा, है ना। ये वेग जो है उसका निर्धारण क्या है, इस कांच के जो अपवर्तनांक है पर निर्भर करता है, ठीक है। अपवर्तनांक पर निर्भर, यानी इस कांच का, इस माध्यम का जो है अपवर्तनांक वह गुण है जो ये निर्धारित करता है कि इस कांच में से, यानी इस माध्यम में से जो प्रकाश की किरण गुजर रही है उसका वेग कितना होगा। आ रही बात समझ में, यानी कोई भी माध्यम है, ठीक है। मतलब जैसे मुझे मान लो आप, मैं कांच हूँ, है ना, मेरे अंदर से क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण, तो मेरा एक अपवर्तनांक फिक्स होगा, ठीक है। वो हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो मेरे अंदर, मैं कांच हूँ, मेरे अंदर अपवर्तनांक है, ठीक है। तो ये निर्धारित करेगा कि मेरे अंदर से प्रकाश स्पीड से जाता है या स्लो जाता है। अगर मेरा अपवर्तनांक, मैं अगर सघन माध्यम हूँ, है ना, मैं माध्यम कैसा हूँ, सघन हूँ, तो मतलब मेरा अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में। और अगर मैं कैसा हूँ, विरल माध्यम हूँ, तो मेरा अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक मेरा वह गुण है जो ये निर्धारित करता है कि मेरे अंदर से प्रकाश की किरण किस स्पीड से जाने वाली है। आ रही बात समझ में। तो देखो सघन के अंदर जो, अगर आप लोग देखते हो, वीडियो के अंदर देखा था कि सघन माध्यम जो होता है उसमें जो प्रकाश की किरण जो होती है उसका वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर माध्यम सघन है तो वेग कम है, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा उसका होगा जो माध्यम कैसा है, सघन है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सघन माध्यम है तो उसके अंदर से प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ठीक। और सघन माध्यम के लिए सघन बराबर क्या है, वेग कम होना, ठीक है। और अगर सघन माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो सघन माध्यम जो है, अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वेग क्या है, कम है। तो ये हमको अपवर्तनांक, अगर किसी, जैसे मेरा है, मेरे अंदर से प्रकाश की किरण जा रही है ना, और मेरा अपवर्तनांक ज्यादा है, दैट मींस मुझसे ये पता चल रहा है कि मैं सघन माध्यम हूँ। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो वेग क्या होता है, कम होता है, और वेग किसका कम होता है, जिसका माध्यम कैसा होता है, सघन। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं, अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ अपवर्तनांक, तो उससे ये पता चल जाता है कि अगर मेरा अपवर्तनांक कम आ रहा है, दैट मींस क्या है कि मैं जो है, मेरे माध्यम कैसा हूँ, विरल। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक अगर कम होता है तो प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और ज्यादा वेग किसका होता है, ज्यादा प्रकाश जो है जल्दी जल्दी गति किसमें करता है, विरल के अंदर करता है। तो अपवर्तनांक से हमें किसी भी पदार्थ के सघन होने का और विरल होने का क्या हो जाता है, पता लग जाता है। समझ में आ रही है। तो ये चीजें हैं जिन जो हमें क्या होती है, अपवर्तनांक के बारे में पता चलती है। बात समझ में आई कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार से जो है उस माध्यम में प्रकाश की किरण जो है किस वेग से गुजरेगी उसका निर्धारण हो रहा है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, दैट मीन्स ये पदार्थ कैसा है, सघन है, और सघन में क्या होता है, प्रकाश का वेग, जो किरण का वेग होता है वो कम होता है। तो अपवर्तनांक से हम पता लगा सकते हैं, यानी अपवर्तनांक हाई, दैट मीन्स जो है प्रकाश की किरण का क्या है, वेग कम होगा, और कम है, दैट मीन्स पदार्थ कैसा है, सघन है, ठीक
फिर उसके बाद है अपवर्तनांक क्या है, कम है। अगर अपवर्तनांक कम है तो ऑब्वियसली बात है वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रकाश की किरण का। और ज्यादा वेग किन पदार्थों का होता है, विरल का होता है। तो हम पदार्थ जो माध्यम है उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजर रहा है वो विरल है कि सघन। विरल है तो अपवर्तनांक कम होगा, सघन है तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये चीजें आपकी बुक में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी समझा रही हूँ पूरे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जहां पर अपवर्तन के जो दो नियम दिए हुए हैं वहां पर सारा जो मैटर दिया हुआ है ना वो सब कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अपवर्तनांक के प्रकार। ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी किताब के अंदर दी हुई है लेकिन समझा नहीं रखा कि होता क्या है ना, तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सिचुएशन में जब हम अपवर्तन के दो दूसरा नियम है स्नेल्स का नियम है ना उसको देखते हैं, तो वहां पर सीधा दे दिया है कि जो सेकंड माध्यम होता है उसके पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो ही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। उन्होंने सीधा दे दिया तो हमको तो समझ भी नहीं आएगा कि ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीज होती है ना, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है, यानी प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है बेटा, वायु से कहाँ जा रही है, किसी भी माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है ना। तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं निरपेक्ष अपवर्तनांक का, तो देखो क्या होता है, यानी ऑलवेज ध्यान रखना कि वायु से जो प्रकाश की किरण है जो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब हम क्या निकालते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। कहां से प्रवेश कर रही है, वायु, या हम कहें कि निर्वात, कुछ भी लिखा जाए दोनों में से, है ना, या फिर लिखा जाए शून्य। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब यही है कि जब भी प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से प्रवेश करती है किसी माध्यम से तो हम किसको निकालते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को। कैसे निकालते हैं कि ऊपर रख देंगे हम प्रकाश का वायु में क्या वेग है, ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे, जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम का। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रकाश का माध्यम में वेग। आ रही बात समझ में, क्या हो रहा है कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो प्रकाश की किरण है वो निर्वात से जो माध्यम है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है ना, कोई भी पारदर्शी जो माध्यम है वो हो सकता है, तो पारदर्शी माध्यम जो होता है उसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो निर्वात के जो सापेक्ष है इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम कौन सा अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, निरपेक्ष। कैसे करेंगे, प्रकाश का वायु में जो वेग होता है उसको रखेंगे और उसके बटावे में किसको रख देंगे, प्रकाश का इस माध्यम में क्या वेग होता है, जैसे कि पानी है ना, या फिर कांच है, कांच में क्या वेग होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेती हूँ कि जो है प्रकाश का पानी के अंदर वेग है, तो पानी के अंदर वेग कितना होता है, 225,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अभी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, है ना, लेकिन ये समझ लेना कि अगर मान लो क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या करती है, वायु से या निर्वात से किसी माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो इस माध्यम का हमको क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि वायु के सापेक्ष इस माध्यम का क्या कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या निर्वात के सापेक्ष जो है माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप वायु के अंदर या निर्वात के अंदर प्रकाश के वेग को लिखकर अपॉन क्या कर दोगे, जो माध्यम है जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, इस माध्यम का आप जो है प्रकाश का वेग जो है इस माध्यम से प्रकाश के वेग को रखकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड टाइप जो आता है बेटा वो आता है अपवर्तनांक का सापेक्ष अपवर्तनांक। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी दी हुई है बुक के अंदर, या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक है वो क्या होता है,
जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, गमन करता है यानी प्रवेश करता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आगे बात समझ में, इसको इसका फॉर्मूला है N21/C1/C2। यानी क्या किया जाता है, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष हम इसका दूसरे माध्यम का क्या करते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अगर हम पहले माध्यम, देखो इस वाले में हम किसके कर रहे थे, वेग के सापेक्ष किसको कर रहे थे, जो कोई भी माध्यम है वेग के सापेक्ष हम क्या कर रहे थे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे थे, है ना। और यहां क्या कर रहे हैं, हम पहले माध्यम के सापेक्ष किसका कर रहे हैं, दूसरे माध्यम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, वेग के सापेक्ष जो क्या कर रहे हैं, जो माध्यम है उसका कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या लिया कि वेग जो है, सॉरी, निर्वात में, निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष, गलत बोल के बेटा, वेग जो नहीं है, यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वायु में वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, ये लिखा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। तो सपोज पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, जैसे हमने वायु को ऊपर लिखा था फॉर्मूले में, वैसे ही जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उसको नीचे लिखा। तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं ना हम ज्ञात, उसको तो क्या रखा जाता है, ऊपर। और जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं उसको क्या लिखा जाता है, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उसको क्या लिखा जाता है, नीचे। तो यहाँ पहला माध्यम ऊपर आ जाता है और दूसरा जो इसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना होता है वो क्या आ जाता है, नीचे। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम ऊपर हमेशा, अगर हमको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वायु के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कहा जाता है कि एक माध्यम यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो ये होता है N21=C1/C2 होता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, सापेक्ष जो है अपवर्तनांक, यहाँ पर हम वायु, ऑलवेज वायु या निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, तो वो हमारा हो गया निरपेक्ष। और अगर एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं तो वो हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया, तो ये दो चीजें हैं अपवर्तनांक की। अब हमको पूछ लिया जाता है कि प्रूफ कीजिए, है ना, प्रूफ कीजिए N21/C1/C2 होता है, इसको सिद्ध प्रमाणित करना है। इसको प्रमाणित किस प्रकार करेंगे ये हम देखेंगे, है ना। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने देखा है कि अपवर्तनांक के दो प्रकार थे, एक था निक्षेपित और एक था हमारा सापेक्ष, ठीक है। सापेक्ष का फॉर्मूला हमको सिद्ध करना है कि माध्यम टू जो होता है उसका जो माध्यम टू का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम वन के सापेक्ष जो होता है वो C1/C2। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या लेंगे, अपेक्षित अपवर्तनांक हम काम में लेंगे। अब अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों के निरपेक्षित अपवर्तनांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपेक्षित अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा। अब आकर्षित अपवर्तनांक, मैम ये तो समझाया नहीं आपने, तो ये क्या चीज होती है कि दो माध्यम के निरपेक्षित अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम के निरपेक्षित, अब निरपेक्ष पे निरपेक्षित तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निर्वात अपॉन क्या करते हैं, जिस माध्यम का हमको क्या करना होता है, जिस माध्यम का हमको क्या करना होता है, अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है। तो माध्यम का
जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना होता है उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है उसको लिखते हैं और निर्मात में जो वेग होता है उसको लिखते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? निरपेक्षित अपवर्तनांक के। तो अब यहाँ पर जैसे कि सपोज करो हमने दो माध्यम लिए हैं, पहला माध्यम है N1 और दूसरा माध्यम है N2, ठीक है। तो N1 के लिए निरपेक्षित अपवर्तनांक जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम मान रहे हैं यानी माध्यम 1 जो है उसके लिए हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं N1 और इसको हम निकाल रहे हैं जो माध्यम 2 है उसके लिए अपवर्तनांक निकालेंगे N2। तो माध्यम 1 को हम लिखेंगे C1 से डिनोट करेंगे और माध्यम 2 को हम करेंगे C2 से, ठीक है। और वायु में मतलब माध्यम 1 के अंदर जो वेग होता है वेग को करेंगे बेटा किससे, C1 से, और माध्यम 2 में जो प्रकाश का वेग होता है उसको डिनोट करेंगे C2 से, और जो निर्वात के अंदर क्या होता है वेग होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे C से। निरपेक्षित अपवर्तनांक का अनुपात लेना है दो माध्यमों का, तो दो माध्यम चाहिए, माध्यम 1 है उसका जो अपवर्तनांक डिनोट करेंगे किससे, N1 से, माध्यम 2 जो है उसका अपवर्तनांक हमको क्या करना है N2 से हम डिनोट करने वाले हैं। लेकिन अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है निरपेक्षित निर्वात जो है अपवर्तनांक का, कि निर्वात में वेग अपॉन माध्यम में वेग, ठीक है। तो माध्यम तो हमारे पास क्या हो गए 1 और 2, ये दोनों हो गए। अब निर्वात में वेग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से और माध्यम के वेग को कर रहे हैं, अगर माध्यम 1 है तो हम माध्यम में वेग को प्रकाश के वेग को C1 से रिप्रेजेंट करेंगे और माध्यम अगर 2 है तो प्रकाश के वेग को किससे डिनोट करेंगे C2 से। तो अब ये वैल्यू जो है अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो जो माध्यम 1 का अपवर्तनांक है ना, माध्यम 1 का निरपेक्षित अपवर्तनांक क्या आ जाएगा बेटा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना माना हमने सी, तो सी रख दिया, और माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग कितनी मानी हमने C1, तो ये हमने रख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माध्यम 1 का निरपेक्ष अनुपात, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। फिर माध्यम 2 का हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल या वेग हम रखते हैं। तो हमने कितना माना था, निर्वात में प्रकाश का वेग सी और जो है माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी मानी है C2। तो ये हमारा माध्यम 2 के लिए क्या आ गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया। तो ये हमारे पास दो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, प्राप्त है। तो अब अपेक्षित अपवर्तनांक क्या, किसको कह रहे हैं हम, दो निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होते हैं यानी दो निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक किसको कहेंगे, दो जो जो निरपेक्षित दो माध्यमों के निरपेक्षित अपवर्तनांक के जो अनुपात है उसको, तो दो निरपेक्षित अनुपात कौन, दो निरपेक्षित हमारे पास अपवर्तनांक कौन से हैं, पहले माध्यम का तो ये रहा, दूसरे माध्यम का ये रहा निरपेक्षित अपवर्तनांक, ठीक है। यानी पहले माध्यम का यानी माध्यम 1 के लिए निरपेक्षित अपवर्तनांक का मान कितना हो गया N1 के लिए C/C1 और माध्यम 2 के लिए निरपेक्षित जो अपवर्तनांक है उसके लिए मान कितना हो गया C/C2 हो गया हमारे पास। तो अब इसका अनुपात अगर हम लेते हैं है ना, इसका अनुपात लेते हैं तो जाके हमारे पास अपेक्षित अपवर्तनांक आता है। तो यहाँ पर देखो अपेक्षित अपवर्तनांक निकालने के लिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमको, है ना। हमको ये प्रूव करना है कि N21 इज इक्वल टू C1C2 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही जो हमारे माध्यम थे 1 और 2 उनके निरपेक्षित अपवर्तनांक का हम क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। तो क्या करेंगे N2 को, क्योंकि हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, तो N2 जो है उसका निरपेक्षित अनुपात ऊपर आता है क्योंकि ये जो हम लिखेंगे उसके अंदर, और N1 का जो है वो क्या आएगा नीचे की ओर आता है, ठीक है। जब भी हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालते हैं है ना, तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमको, तो N2 ऊपर लिखेंगे और N1 क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। तो N2 का मान कितना है हमारे पास, C/C2 जो है अपॉन कर देंगे C/C1 कर देंगे। अब इनको अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो
ये सी अपॉन सी टू है, तो ये संख्या इधर चली जाएगी, तो ये जो सी है वो उल्टा हो जाएगा, तो सी वन ऊपर आ जाएगा, सी टू नीचे आएगा, सी से सी ये कट गया, तो क्या बचा, सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एन टू वन इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्लस एक चीज ध्यान रखना कि जो अपवर्तनांक होती है, अपवर्तनांक जो है वो एक अदिश राशि है, प्लस इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता। मात्रक जैसे हम केजी लगाते हैं, किलोमीटर्स लगाते हैं, ये सब क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, तो इनका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि माध्यम जो टू के लिए प्रकाश का वेग है वो भी किलोमीटर पर सेकंड में है, और माध्यम वन के लिए जो प्रकाश का वेग है वो भी किलोमीटर पर सेकंड में, दोनों कट गए तो क्या बचा, जीरो। इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज हो गई। फिर है अपवर्तनांक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल से आपको बेटा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन आपके पास दिया है पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, माध्यम पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, पानी का, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात और माध्यम दो चीजें आ गई है, निर्वात और माध्यम। तो जब भी माध्यम और निर्वात के बीच में हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हम कौन सा करेंगे, निक्षेपित वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि निक्षेपित में कहां से कहां होता है, निर्वात से होता है। तो सबसे पहले वायु या निर्वात में प्रकाश का ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, निक्षेपित अपवर्तनांक यानी n इज इक्वल टू वायु में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। वायु में और माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो हम लिख देंगे तो हमको अपवर्तनांक मिल जाएगा। अब वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि इसको इसका वेग मान लो सी, इसका मान लो सी डब्ल्यू, है ना। तो हमारे पास आपको पता है सी यानी वायु में प्रकाश का वेग की मात्रा कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और माध्यम कौन सा है, पानी। तो सी डब्ल्यू यानी पानी में प्रकाश के वेग की कितनी है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड है। तो आप इसको क्या करो, वैल्यू को पुट करोगे फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अपॉन 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट से यूनिट तो कट गई यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12/9, है ना। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4/3, और ये हो जाएगा आपके 1.33, ठीक है। तो आपका पानी में, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। यूनिट तो लगेगी ही नहीं, जिनमें यूनिट लगती है उनका तो आप कर लेना। ये देखो बेटा यहाँ पर ही सॉल्व किया है मैंने, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। इसको काटा हम लोगों ने, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो यूनिट तो लगी नहीं, इसको काटा तो 22/9 आए, फिर 4/3 हो गया। तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है निर्वात के सापेक्ष, यानी अगर हम इसको लिखे कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो इस तरह से निकला। तो जब भी निर्वात आए ना तो ये आप फॉर्मूला लगा देना, समझ में आ गया। और जिसके सापेक्ष हमको जिसका निकालना होता है, जिसका निकालना होता है ना अपवर्तनांक, उसको नीचे रखा जाता है, और जिसका जिसके सापेक्ष निकाला जाता है ना उसको ऊपर रखा जाता है, और जिसका निकालना है ना, जिसका भी हमको अपवर्तनांक निकालना है उसको क्या किया जाता है, नीचे रखा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद आता है
अपेक्षित अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या हम कहे कि सापेक्ष जो है अपवर्तनांक है वो ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि पानी में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या है, पानी में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पानी के पानी में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कांच के कांच में प्रकाश की चाल, यानी पानी के सापेक्ष करना है, तो ये हमारा मीडियम वन हो गया, और करना किसका है, कांच में प्रकाश की चाल का अपवर्तन हमको ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यम टू हो गया। तो माध्यम टू का माध्यम वन के सापेक्ष हमको क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको तो हम क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। तो पानी में प्रकाश की चाल अपॉन क्या कर देंगे, जिसकी ज्ञात करनी है हमको, तो किसकी ज्ञात करनी है, कांच में प्रकाश की चाल, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या हो जाएगा, पानी में कितनी होती है, 225,000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, और कांच में कितनी होती है, 200,000 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट गया। सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 9/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.125 के लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि पानी में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.125 जो है होता है। तो ये आपका अपवर्तनांक का जो टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अपवर्तन के जो उदाहरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे।